अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम लर्न करेंगे S3-101। S3 जो है वन ऑफ द फर्स्ट सर्विस है जो प्रोड्यूस कर रही है बाय AWS Amazon वेब सर्विसेज को। S3 जो है वो स्टैंड कर रहा है सिंपल स्टोरेज सर्विसेज, हम इसे कहते हैं। S3 जो है वो प्रोवाइड्स कर रहा है डेवलपर्स को और IT टीम्स को विद सिक्योर ड्यूरेबल हाईली स्केलेबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ये जो है वो इजी टू यूज है, इजी टू लर्न है विद सिंपल वेब सर्विसेज इंटरफेस। स्टोर कर रहे, ड्राइव कर रहे एनी अमाउंट ऑफ डाटा फ्रॉम एनीवेयर ऑन द वेब पे। व्हाट इज S3? S3 जो है वो सेफ प्लेस टू स्टोर द फाइल्स। S3 जो है वो बेसिकली सेफ प्लेस है जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फाइल्स को। सेकेंड है, ये जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं इमेजेस को, उसके बाद जो है वर्ड फाइल्स हैं, PDF फाइल्स एंड सो ऑन। फाइल्स जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं S3, यहाँ पे जो है रेंजेस पुट की गई है 0 bytes to 5 TB। ये जो है वो अनलिमिटेड स्टोरेज है, इसका मतलब ये आप जो है वो स्टोर कर सकते हैं डाटा को जितना आप चाह रहे हैं। फाइल जो है वो स्टोर कर रहे हैं बकेट में और बकेट जो है वो एक फोल्डर अवेलेबल है S3 जो स्टोर कर रहा है फाइल्स को। S3 जो है वो यूनिवर्सल नेम स्पेस है, एग्जाम्पल है, नेम जो है वो यूनिक ग्लोबली होना चाहिए। बकेट कंटेन्स कर रहा है DNS एड्रेस को और बकेट जो है वो कंटेन कर रहा है यूनिक नेम जिसमें जनरेट कर रहे हैं यूनिक DNS एड्रेस को। अगर हम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं बकेट तो URL जो है यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा जिसमें आप देखें S3 जो है वो रीजन नेम है और यहाँ पे पुट किया गया ये जो है बकेट नेम से उसको रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे फोल्डर नेम को। अगर हम अपलोड कर रहे हैं फाइल A टू S3 बकेट, देन जो है वो रिसीव कर रहे हैं HTTP 200 कोड, इसका मतलब ये हम जो है वो अपलोडिंग कर रहे हैं फाइल जो है वो सक्सेसफुल है, अपलोडिंग फाइल सक्सेसफुल है। एडवांटेजेस ऑफ Amazon S3, यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे एडवांटेजेस। फर्स्ट आता है स्टोरिंग डाटा इन बकेट्स, सेकंड आता है डाउनलोड डाटा, थर्ड आती है परमिशंस, यहाँ पे जो है यहाँ उसके बाद फोर्थ आती है स्टैंडर्ड इंटरफेस एंड फिफ्थ आती है सिक्योरिटी, इसके बाद सिक्स आती है क्रिएट बकेट्स। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया एडवांटेजेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्रिएट बकेट। फर्स्टली जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट करना है बकेट को और प्रोवाइड करना है नेम टू अ बकेट। बकेट से है वो कंटेनर्स है S3 जो स्टोर कर रहा है डाटा को। बकेट से है वो यूनिक होना चाहिए जिसमें नेम जो है वो जनरेट कर रहा है यूनिक DNS एड्रेस को। सेकेंड है स्टोरिंग डाटा इन बकेट्स, बकेट से है वो हम यूज करते हैं, स्टोर करते हैं इनफिनाइट अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए। इसमें हम अपलोड कर सकते हैं फाइल्स एज मच यू वॉन्ट टू into Amazon S3 buckets, जितनी हम चाह सकते हैं इसमें कर सकते हैं 0 bytes to 5 TB तक। नो मैक्सिमम लिमिट है जिसमें स्टोर कर रहे हैं फाइल्स और ईच जो है वो ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है 5 TB ऑफ डाटा। आप जो है वो इतना जो है वो डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ईच ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं बाई यूजिंग अ यूनिक डिवेलपर असाइंड की। डाउनलोडिंग डाटा, इसमें हम डाउनलोड कर सकते हैं डाटा फ्रॉम द बकेट जिसमें हम गिव कर रहे हैं, दे रहे हैं परमिशंस टू अदर डाउनलोड द सेम डाटा। डाउनलोड कर सकते हैं डाटा एट एनी टाइम व्हेन एवर यू वांट। परमिशंस हैं जिसमें हम ग्रांट असेस कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं डाटा फ्रॉम योर Amazon S3 बकेट। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म जो है वो कीप कर रहा है डाटा सिक्योर कर रहा है फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस से, ये जो है रिप्रेजेंट किया गया। स्टैंडर्ड इंटरफेस, S3 जो है वो यूज करते हैं विद द स्टैंडर्ड इंटरफेस REST एंड SOAP इंटरफेस जो डिजाइन किया गया इन सच अवे जिसमें वर्क किया गया विद द डेवलपमेंट टूलकिट के साथ। सिक्योरिटी, Amazon S3 ऑफर्स कर रहा है सिक्योरिटी फीचर जो प्रोटेक्ट कर रहा है अनऑथोराइज्ड यूजर फॉर असेसिंग योर डाटा के लिए। S3 इज अ सिंपल की वैल्यू स्टोर। S3 जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ऑब्जेक्ट जो है वो कंसिस्ट कर रहा है फॉलोइंग। फर्स्ट आती है की, ये जो है वो सिंपली नेम है ऑब्जेक्ट का, एग्जाम्पल है हेलो टेक्स्ट, स्प्रेडशीट, XLSX एंड सो ऑन, जिसमें हम यूज कर रहे हैं की टू रिट्राइव द ऑब्जेक्ट के लिए। सेकंड है वैल्यू, ये जो है वो सिंपली कर रहा है डाटा जिसमें मेड अप ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होते हैं, एक्चुअली जो है वो डाटा इनसाइड द फाइल में होता है। वेरिएंट आईडी जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाइज कर रही है ऑब्जेक्ट को। ये जो है वो स्ट्रिंग है जनरेट कर रही है S3 जब हम एड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट हुआ S3 बकेट से। मेटा डाटा जो है वो रिप्रेजेंट किया गया, ये जो है वो डाटा अबाउट डाटा जिसको हम स्टोर कर रहे हैं
अ सेट ऑफ नेम वैल्यू पेयर, इसमें हम स्टोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को रिगार्डिंग एन ऑब्जेक्ट। मेटा डाटा जो है वो असाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स इन अमेज़न S3 बकेट्स में। यहाँ पे जो है पुट किया गया सब रिसोर्सेज, सब रिसोर्स मैकेनिज्म जो है वो यूज करते हैं स्टोर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए। असेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन, इसमें हम पुट कर सकते हैं परमिशंस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं इंडिविजुअली ऑन योर फाइल्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।